दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीसीटी में। मैं ध्रुवलाल यादव आप लोगों के बीच में हमेशा कुछ खास और स्पेशल डिस्कस करने के लिए ही आता हूं, और आप लोग बहुत ढेर सारा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके ढेर सारे सवालों को भी पूछते हैं, और कोशिश भी करता हूं कि आपके हर एक सवालों का जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में दे पाऊँ। आज जो विषय हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, आप जानते ही हैं कि भोजपुरी सिनेमा टीवी टच जो है हमेशा से विशेष करके भोजपुरी में मेकिंग से रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश करता है, और हम कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आते हैं कि जिस पर किसी का फोकस नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं लेकिन लोग फोकस नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत से कामों को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो जाता है। आज हम फोकस करेंगे, हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे भोजपुरी सिंगर हैं जो जिनका भी ना तो कोई लेवल है ना तो कोई मार्केट है, ज़बरदस्त स्ट्रगल है उनके लाइफ में, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और वहीं पर अगर हम फोकस करें भोजपुरी लोकगीतों के मार्केटिंग पे या भोजपुरी लोकगीतों के मेकिंग में, जिनका राज है, जिनका दबदबा है, सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी कठिन मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन आज का जो माहौल है यानी कि कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के चलते जो है जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, जो कंपटीशन उत्पन्न हुआ है, उस पर फोकस, छोटा सा फोकस करेंगे हम। किसी भी प्रकार के किसी वाद विवाद या अपवादों को ना तो फैलाते हैं ना फैलाने की कोशिश करते हैं, जो सही होता है हमारे नज़रिए से उसी को आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो स्पष्ट तरीके से समझिएगा, और अपना अगर आपका कोई सलाह भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। अब आते हैं मैटर पे, जिस पर आज हमें फोकस करना है वो है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी, या भोजपुरी के जितने यानी कि जो मूवी में काम करते थे, जिनके सिनेमा आते थे, अब वो लोग गीतों में बिजी हैं और उनके आए दिन लोग गीत अच्छे भी बन रहे हैं, भाई भोजपुरी को एक ट्रेड भी दे रहे हैं, ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट दे के जो बदनाम किया करते थे लोग भोजपुरी को, वो आज एक लेवल भी ले रहा है, बढ़िया लोगों का इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ये लोग इंटरटेनमेंट भी करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का श्रेय भी इन लोगों के ऊपर जाता है। लेकिन इसमें नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, इस पर फोकस हम करना चाहते हैं। इसमें नुकसान हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे सिंगर हैं जो अभी नए हैं, जो अपने आप को भोजपुरी में स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं, तो उनको थोड़ा नुकसान होता है, उनको दिक्कत होता है, और वो जो है इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैटर क्या है, मतलब ये स्थिति उत्पन्न कैसे होती है, हमारे बहुत ढेर सारे जो स्टार हुआ करते हैं, हमारे खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे, समर सिंह, ऐसे ऐसे करके जो हमारे ढेर सारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ये एक टाइम हुआ करता था लॉकडाउन से पहले, यानी कि कोरोना आने से पहले एक टाइम हुआ करता था कि ये लोग फिल्मों में बिजी होते थे, फिल्म की मेकिंग में बिजी हुआ करते थे, बनाने में बिजी रहते थे, जो फिल्मों के गाने होते थे वो रिलीज़ हुआ करते थे। लेकिन जब से कोरोना काल लगा, मार्केट डाउन हुआ, थिएटर बंद हुए, उसके बाद से जो है प्रोड्यूसरों ने पैसा लगाना रोक दिया, मतलब प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर अभी पैसा नहीं लगाना चाहता सिनेमा में, तो ये बचे खाली। अब ये खाली जब बचे तो इनके पास ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है इस लाइन में काम करने का, और ये जो है मार्केट के एक एक नस को पकड़ते हैं कि मार्केट आखिर चाहता क्या है, पब्लिक चाहता क्या है। अब भाई लंबा समय है, लंबा समय दिया है इन्होंने भोजपुरी में, एक एक शब्दों को कैसे पिरोकर लोगों के बीच में लेकर आया जाए, पब्लिक चाहती क्या है, इन सब चीज़ों का बहुत लंबा तजुर्बा है। तो जब इतना लंबा तजुर्बा और कॉन्फिडेंस लेकर कोई मार्केट में, जहां पर हम और आप भोजपुरी लोकगीत को बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर कोई बढ़िया भाई जिसके पास अनुभव है वो जब आकर काम करने लगेगा, तो फिर तो हम आप या और कोई जो हमारे बहुत ढेर सारे नए दोस्त हैं, नए मेकर हैं या नए सिंगर हैं, तो इनको तो दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि मैं ये चीज़ कई दिन से, काफ़ी दिनों से फील कर रहा था और फॉलोअप भी कर रहा था कि मतलब ऐसा हो रहा है, बहुत से सिंगर हमारे जद्दोजहद में एकदम पूरा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना भी आ रहा है, लेकिन जो है उनका वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो पब्लिक से चाहिए था, जो भविष्य में मिलता था, मतलब भूतकाल यानी पहले जो मिल जाता था वो अब इस टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप देख लोगे कि स्टारों का क्या होता है, एक तो पहले से ही इनका फैन फॉलोइंग है ही है, लोग फॉलो करते हैं इनको,
लोग इनके गानों को, पिक्चरों को सुनते थे, देखते थे, गानों को सुनते थे, तो पहले से है ही है। इनके पास कॉन्फिडेंस माइकिंग का जो सिस्टम है, जो रिकॉर्डिंग शूटिंग का या शूटिंग का सेटअप का जो काम करने वाले सब तजुर्बेवान, फिल्मों में काम करने वाले अगर गाने पे उतर आएँ, गाने को बनाने लगें, तो अच्छा बनेगा ही। आए दिन आप देखते ही हैं ट्रेंडिंग में जा रहे हैं ढेर सारे गाने खेसारी लाल के और पवन सिंह जी के। तो अब जब ये लोग काम करने लगे तो हमारे ढेर सारे सिंगरों को तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, हम उन सिंगरों से जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं भोजपुरी में और कुछ खास और स्पेशल करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, हमारे तरफ से एक सलाह होगा कि आप अब इस टाइम पर कुछ नया और सबसे अलग कम ही बजट में लेकर आइए, लेकिन सबसे नया अलग पब्लिक के मूड को भाप कर लेकर आइए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतने ज़्यादा कंपटीशन में अगर कोई अपने आप को एडवांस करके प्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के बीच में, तो आपके लिए तो भाई भाई लोहे के चने चबाने जैसा ही होगा। मैंने ये टॉपिक, ये मैटर इसलिए लेकर आया आप लोगों के बीच में क्योंकि मेरे पास जो है हमारे चैनल पे हमारे जो विजिटर, हमारे व्यूवर, हमारे मित्र, हमारे दोस्त जो हैं, हमारे चाहने वाले जो हैं, ज़्यादातर माइकिंग से रिलेटेड ही देखते हैं, सिंगर आर्टिस्ट या जो है राइटर, स्टूडियो मेकर, स्टूडियो वाले, म्यूज़िक कंपोज़र, यही सब ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है ये लोग इधर ना ध्यान देते हों, जो मार्केट है, जो मार्केटिंग है, उस पर ना फोकस करते हों और अपने काम में लगे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हर एक बारीकियों को पकड़कर अगर आप काम करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को पकड़कर अगर आप काम करते हैं, तो आपको भविष्य में एक नया तरीका और एक नया तजुर्बा और एक नया रिजल्ट गारंटी है मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी पन्ने में आप लिखा लो, मुझसे लिखा लो, मैं लिख देता हूँ कि अगर आप परमानेंटली छोटी छोटी गलतियों को और बारीकियों को ढंग से समझ कर काम करते हैं, तो गारंटी है कोई नहीं रोक सकता, भविष्य के आप भी इशार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा स्पष्ट किया जाए, हमारे जहन में कई दिनों से ये मैटर चल रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी भली भांति समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने का कोशिश किया है। भाई जिनके फिल्म चलते थे, जिनके फिल्मों के गाने चलते थे, जिनके पास तजुर्बा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, जिनके पास बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ जानकारी, अगर वो भोजपुरी लोक गीतों में, इस समय माइकिंग में बिजी हैं, क्योंकि उनके गानों के पीछे प्रोड्यूसर पैसा लगा भी देते हैं, क्योंकि चलने के बाद उतना रिकवर कर लेता है, लेकिन आपको भारी पड़ रहा है, उतना नहीं कर पाओगे, तो कंपटीशन ज़बरदस्त है। आप नई चीज़ सोचिए, नई चीज़ लेकर आइए, और हो सकता है कि भविष्य में आपका भी कल्याण हो जाए। तो आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट हम बीसीटी पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।